नमस्कार, इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का नामदेव और मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के संपादक मनोज जोशी सर और साथ में अभिनव। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं सभी आठों टीम के ओपनर्स के बारे में, या यू कहो कौन सी टीम के ओपनिंग के दावेदार कौन कौन रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कहाँ से करें सर? मेरे ख्याल से ओपनिंग के बारे में बात होनी चाहिए सबसे पहले, तो कि ओपनिंग क्या होती है, ओपनिंग बला है क्या, ओपनिंग का महत्व क्या है सर? बिल्कुल, देखो जी, ओपनिंग में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप जो पावर प्ले होते हैं जिसमें दो फील्डर्स जो हैं 30 गज के दायरे के बाहर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको टावरिंग शॉट लगाने वाला प्लेयर चाहिए जो ऊंचे शॉट्स खेल सके। तो बल्लेबाज को, क्योंकि पूरे 20 ओवर है, पूरा मैदान खाली है, चाहे तो जाए बल्लेबाजी करे और नॉट आउट लौटे वहां से, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब देखिए, इसका अंदाजा आप शायद अनुभव आपने भी इस बात को रियलाइज किया होगा कि जो टॉप 10 बल्लेबाज हैं, अगर आप आईपीएल के निकालेंगे अब तक के, तो उसमें 7 बल्लेबाज ऐसे हैं जो ओपनर हैं, जो ओपनर हैं, क्योंकि उसके अलावा जो चौके लगाते हैं ना, चौके लगाने वाले भी अगर आप देखेंगे लिस्ट में, तो उसमें भी जो टॉप 10 है ना, उसमें टॉप 9 जो है वो ओपनर हैं। एक जो बचते हैं सूर्य कुमार यादव है, जिनके चौके में वो भी 10वें नंबर पर आते हैं, लेकिन टॉप 9 बल्लेबाज जो है वो ओपनर हैं। और उसमें ये चाहे मतलब चौके वाले ही बल्लेबाज नहीं बल्कि छक्के लगाने वाले, क्रिस गेल की बात करें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि जैसे आंद्रे रसेल है, सर ये कैरन पोलार्ड भी है मुंबई में और हार्दिक पांड्या भी है, एमएस धोनी खुद 10 सालों से रहे हैं, लेकिन इनमें भी कहीं ना कहीं जो छक्के लगाने वाले बल्लेबाज है उसमें भी ओपनर्स का ही दबदबा रहा है। रोहित शर्मा है जी, शुरुआत में थोड़ा सा स्लो स्टार्टर होते हैं लेकिन उसके बाद जब उनका बल्ला घूमता है ना, तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता। और उसमें सर एक क्या है ना कि एक जिस दिन रोहित शर्मा स्लो रहते हैं तो ऑटोमेटिक सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि बंदा स्लो है लेकिन बहुत जल्द उस फॉर्म में आ जाएगा कि भाई जो वो बॉल खेल रहा है, डॉट बॉल खेल रहा है या फिर जो सिंगल डबल में डील कर रहा है, तो उसको मैनेज कर लेगा। तो इसमें सर मुझे लगता है कि ओपनर्स पे हम बात कर रहे हैं तो हम टीम वाइज बात करें। चलिए अब मेरी फेवरेट टीम का डिस्कशन कर लें सर। कौन सी है भाई फेवरेट टीम बताएं? मेरी फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स, जिसकी कप्तानी कर रहे हैं धोनी। चलिए ठीक है, धोनी, इनके टीम के बारे में ओपनर्स बता दीजिए आप हमारे। इनके ओपनर्स के आपको नाम बता दूं, फाफडू प्लेसी, और उन्हीं के साथ दावेदार रहेंगे अंबाती राइडू। हाँ, अंबाती राइडू के साथ साथ ये शेन वॉटसन भी हैं डुप्लेसी, और मतलब तीनों में से कोई दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शेन वॉटसन और डुप्लेसी ओपनिंग आएंगे। सर आपको क्या लगता है? देखिए, अगर तो ज्यादा टीम के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उसकी सीमा है, लिमिट है, 11 में आप 4 ही रख सकते हैं। यदि आपकी सीमा बढ़ जाती है, आपको लगता है कि भाई बॉलर भी चाहिए, सारे इंडियन बॉलर से ही काम नहीं चलाना आपको, क्योंकि एक दो बॉलर आपने बाहर से लिए भी हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको 4 की जगह 5 बॉलर आपके हो रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको बल्लेबाज को, भारतीय बल्लेबाज को उतारना पड़ सकता है। हाँ, है ना, और और मुझे भी ऐसा लगता है कि सर कहीं ना कहीं जो सीएसके चेन्नई की जो टीम है तो वो इंडियन बैट्समैन को ही खिलाएंगे ज्यादातर, और वो जहाँ तक फॉरेनर्स की बात है तो वो इमरान ताहिर उनके पास है, करण है वो तो, और उनके साथ साथ फिर तो मुझे लगता है कि वो उसी पे जाएंगे। उनकी टीम बेशक हार गई, मैं तो बहुत खुश था क्योंकि मेरी टीम मुंबई जीती थी, लेकिन शेन वॉटसन की जो इनिंग थी वो भूला नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाना पसंद करते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, ये भी है इसलिए हम उनको बुरा कहकर खारिज नहीं कर सकते। जब परिणाम आप दे रहे हैं, आप फाइनल तक पहुंच रहे हैं, 3 बार खिताब जीत चुके हैं आप। चलिए अब शुरू करते हैं आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिस टीम नहीं भाई, नहीं ये तो गलत भाईवानी हो गई यार सर। क्यों? या ये अभिनव इसका जवाब देगा। अभिनव, तुम्हारी टीम, तुम बताओ कौन सी टीम के ओपनर्स के बारे में बात करना चाहते हो? नहीं नहीं, मुंबई की बात कर लेते हैं। मैं भी मुंबई के साथ। हाँ, मुंबई की बात कर लेते हैं क्योंकि चेन्नई की अगर आपने बात की है तो उसके साथ में मुंबई ही कॉम्बिनेशन सही लगता है, क्योंकि पिछली बार फाइनल में नहीं, अभी हम विनर भी हैं, हम नहीं मतलब हमारी टीम अभी विनर भी है, तो इस लिहाज से मुंबई की बात करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों की बात मान लेती हूँ, मुंबई की ही बात करते हैं। हाँ, रोहित शर्मा करेंगे ओपनिंग। यस सर, रोहित शर्मा पर तो कोई विवाद है ही नहीं किसी तरह का, और साथ में क्रिस लिन होंगे उनके साथ,
बड़ी विस्फोटक जोड़ी बनने वाली है। लेकिन सर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि क्विंटन डीकॉक बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं, पिछला आप उनका सीजन याद करिए बड़ा रहा है। वो भले बहुत हार्ड हिटर नहीं है, छक्के चौके बहुत ज्यादा नहीं लगाते हो, लेकिन जितने वो कंसिस्टेंट रहे हैं तो मुझे लगता है कि क्विंटन डीकॉक ओपनिंग करेंगे, और ओपनिंग अगर क्विंटन डीकॉक आए तो फिर मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा आएंगे, फिर उनके साथ क्रिस लिन आएंगे। आपको लगता है कि रोहित शर्मा नीचे आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? वो करते रहे टीम के और हमेशा ओपनिंग करते रहे हैं। नहीं नहीं सर, वो नीचे भी करते रहे, नहीं, करते रहे। क्योंकि कई दफा मुझे याद है सर कि सूर्य कुमार यादव भी 2018 का शायद वो सीजन था, वो ऊपर आते थे, रोहित शर्मा जो है खुद अपने आप को पीछे करते थे, उनके साथ लुइस आते थे वेस्ट इंडीज के, वो कैरेबियन फ्लेवर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रिस लिन मुंबई की टीम में है तो क्रिस लिन को ये लोग बाहर नहीं बिठाएंगे, जिस तरह के वो प्लेयर रहे हैं। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि क्रिस लिन जो है ना वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस बार उनका कुछ बल्ला घूम नहीं रहा ढंग से, जैसे CPL में, उसमें नहीं चले, बल्ला उनका खामोश रहा। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फिर KKR उनको छोड़ता ही क्यों? हाँ, ये बात है। और ने भी छोड़ दिया, परफॉर्मेंस भी नहीं कर पा रहे, तो आप और प्राथमिकता नहीं आप दे सकते। हाँ, और मुंबई ने भी उसके बेस प्राइस 2 करोड़ पे ही खरीदा है। हाँ। कोई और टीम इंटरेस्टेड होती तो शायद ऑक्शन में उनकी प्राइस और भी हाई होती, लेकिन 2 करोड़ में खरीदा है, तो मुझे लगता है कि मुंबई के पास एक अच्छा ऑप्शन है, विकल्प है। लेकिन डीकॉक और उनके साथ ही जाऊंगा, रोहित शर्मा की क्विंटन डीकॉक लंबी पारी। अब देखिए ना, दो बल्लेबाज, एक बल्लेबाज टॉवरिंग शॉट लगाता है, बहुत तेज खेलते हैं, आपको दूसरा बल्लेबाज ऐसा चाहिए जो उसके साथ लंगर डाल के खेल सके, रने बॉल खेल सके। हाँ, और तो क्विंटन डीकॉक उसके लिए बहुत अच्छे विकल्प है। हाँ, मुंबई ये रोहित शर्मा सर टीम इंडिया के लिए भी अच्छा करते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, T20 में, वनडे में, और बहुत अच्छा करते हैं। कम से कम उनको नीचे करने में मतलब मुझे भी लगता है बहुत दुख बुरा लगेगा मुझे। T20 में सर ऐसा माना भी जाता है कि जो आपके जो सबसे अच्छे बैट्समैन है उनको आप ज्यादा से ज्यादा बॉल खेलने का मौका दीजिए, और रोहित शर्मा इस तरह के बैट्समैन हैं कि ऊपर आना चाहिए। चलिए, हम तो उम्मीद करते हैं क्रिस लिन भी है, देखो जी हर रात के बाद सुबह होती है। हाँ। तो हो सकता है क्रिस लिन जो है अपने पुराने वाले रंग में आ जाएं। हाँ। और अगर रंग में आ गए और कहीं रोहित शर्मा और ये दोनों एक साथ ओपनिंग करने के लिए आए, क्विंटन डीकॉक को नीचे भेजा गया, तो आप समझ लीजिए कि ये जोड़ी जो है ना क्रिस गेल या उधर वार्नर और जो बेस्टो की जोड़ी की भी बाप साबित हो सकती है। अब बिल्कुल हो सकती है सर, क्योंकि जब भी दोनों बल्लेबाज अपने रंग में होंगे ना तो किसी भी टीम के लिए पहले 6 ओवर में ही खेल खत्म कर देंगे। और आज का हमारा डिस्कशन भी इसी पे है कि ओपनर्स और पहले 6 ओवर। तो चलिए अब बात करते हैं RCB की या सर कोई और टीम। नहीं नहीं ठीक है, RCB में अब देखो जी अरुण फिंच आ गए उनकी टीम में, विराट कोहली के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, विकल्पों की उनके पास कोई कमी नहीं है। आप श्रोताओं को बताइए हमारे कौन कौन से इसमें ओपनर्स हैं। ओपनर्स के ओपनिंग के दावेदार जो RCB टीम के रहेंगे वो है एरॉन फिंच, पार्थिव पटेल और विराट कोहली। पार्थिव पटेल तो ओपनिंग करते ही रहे हैं, करते रहे, और मुझे भी लगता है कि अगर ये लोग लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे तो पार्थिव पटेल शायद ओपनिंग करते नजर आए, नहीं तो अगर ये इस पे जाए तो फिर मुझे लगता है कि एरॉन फिंच और विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, करना चाहिए बस। और मोइन अली भी उनके पास ऑप्शन है। मोइन अली ने ठीक है 2015 के वर्ल्ड कप में की है ओपनिंग, और IPL के भी कुछ एक मैचों में की, ज्यादा नहीं की, जब विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आते थे। लेकिन विराट कोहली जैसे इनफॉर्म प्लेयर को तो मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा बॉलें मिलनी चाहिए, वो टीम के लिए अच्छा है, और साथ में अरुण फिंच के आने से हो सकता है किस्मत पलट जाए RCB की, जो काम अभी तक नहीं हो पाया वो शायद इस बार हो जाए, क्योंकि कई बार एक या दो बल्लेबाज ही तकदीर बदल देते हैं पूरी टीम की। हाँ सर। चलिए अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जिनकी टीम के ओपनिंग के दावेदार रहेंगे जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर। दोनों कितने खतरनाक है सर, मुस्कुरा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। तो और सर आपको याद होगा कि पिछले सीजन में 2019 में एक मैच ऐसा था कि जॉनी बेयरस्टो और ये डेविड वार्नर दोनों एक ही मैच में शतक बना गए, दोनों ने सेंचुरी बनाई थी, और वो मैच जहां तक मुझे याद है RCB के खिलाफ ही था, और चहल की बड़ी धुनाई हुई थी उस मैच में, एक उनके 4 ओवर में करीब 70 के आसपास रन पड़ गए। हाँ, तो उसके पास फिर बीच में मनीष पांडे को आना है, यूसुफ पठान भी शायद हैं, तो बीच में फिर मोहम्मद नबी आएंगे एज ऑलराउंडर। लेकिन मुझे लगता है कि जो इनकी टीम है तो काफी हद तक सनराइजर्स की टीम जो है डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो पे ही डिपेंड है। को हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछली बार का जो IPL था वो उसमें वो टॉप स्कोरर थे, और वो जबकि लेट ज्वाइन किए थे, लेट ज्वाइन किए, कम मैच खेले, ज्यादा रन बनाए, 12 मैचों में
और इसमें इसमें सर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि सबसे मजेदार बात यह है कि वो आईपीएल ज्वाइन करने से पहले वहां से उनने कहा ऑस्ट्रेलिया से कि मैं लेट आऊंगा लेकिन मैं सबसे ज्यादा रन बनाऊंगा। देखिए अपनी बात इसे कहते हैं कॉन्फिडेंट जज्बा। क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ भी गारंटेड नहीं है कि आप पहले से गारंटेड नहीं ले सकते। लेकिन बेस्टों ने तो आप देखो अभी T20 भी 80 प्लस की इनिंग खेली है अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके अलावा वो लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, एक बात है कि सर आज से 4-5 साल पहले आप भी आप थोड़ा ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि हम मतलब ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ था कि जो इंग्लैंड के प्लेयर है वो T20 इवन EU के है कि लिमिटेड ओवर में बहुत फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन 2015 के बाद से इयान मॉर्गन के हैं, वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने, मॉर्गन है, मतलब है, ये और चेंज, डेविड मलान भी आ गए हैं उनकी तरह। ये चेंज सर ना, ये 2015 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से इंग्लैंड की टीम हारी थी। पहले ये लोग मतलब टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देते आए हैं हमेशा से कि भाई हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट है, वनडे को ये लोग मतलब देखो ना T20 का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, वनडे का वर्ल्ड कप जो कभी नहीं जीता था उन्होंने 1975 से लेकर अब तक वो इस बार जीत लिया उन्होंने। हाँ। वो भी उनकी मंशा पूरी हो गई। तो अब अभी सर इंग्लैंड की टीम में मतलब इंग्लैंड के प्लेयर जिस भी टीम में है चाहे वो यहाँ पे राजस्थान में जॉस बटलर हो, KKR में जो मॉर्गन हो या फिर यहाँ पे जॉनी बेस्ट्रॉ हो, एलेक्स हेल्स है वहाँ पे दिल्ली में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हेल्स दिल्ली में, तो जहाँ भी इंग्लैंड के प्लेयर अच्छे कर रहे हैं और मतलब ये कंसिस्टेंट भी रहे हैं जॉनी बेस्ट्रॉ। T20 के अनुकूल उनकी बल्लेबाजी है। हाँ। और उसमें सभी मैच विनर, मॉर्गन अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, अगर वो खेल गए अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। बटलर ने जिस तरीके से आपने देखा बड़े फॉर्मेट में उनको खिलाया, क्रिस वोक्स के साथ उन्होंने उतर कर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच ही जिता दिया। हाँ, और ये सब बैट्समैन ऐसे हैं जो सर आप नाम ले रहे हैं कि ये ऐसे बैट्समैन नहीं है कि ये 40 बॉल पे आपको 50 बना के देंगे, उनका दिन है वो आपको 25 बॉल पे 50 रन बना के देंगे और टीम को मैच जिताएंगे। और मॉर्गन ऐसे प्लेयर हैं कि अगर आप रन चेज कर रहे हैं, आपके अगर जल्दी विकेट्स गिर गए 2-3, तो मॉर्गन सिंगल डबल में भी डील कर लेता है आसानी से, और जब भी बड़े शॉट्स लगाने की बात आए तो वो भी आसानी से कर लेता है। तो अनुष्का किंग्स का 11 पंजाब सर, अब देखो तुम्हारी बात का बिल्कुल उलट आ रहा है। हमने कहा कि जो प्लेयर जो है वो दौड़कर रन बना लेते हैं, यहाँ क्रिस गेल जो है दौड़ते ही नहीं है। अच्छा, ये पता नहीं क्या, जैसे अंगद का पांव था ना। हाँ हाँ। कि कोई उसको हिला नहीं सकता। नहीं, क्रिस गेल के साथ वही है कि खड़े खड़े बॉल आ गई, चौका छक्का। इंसिडेंट याद आया, उन्होंने एक बार ऐसा छक्का मारा था कि वे छोटी सी बच्ची पे जाकर लगा था और वो उसको देखने के लिए हॉस्पिटल भी गए थे। सही बात है, बहुत उन्होंने यश मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत लोगों ने उनको उनकी प्रशंसा की थी उनके इस बिहेवियर के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि KL राहुल में इतना टेम्परामेंट वो दिखाते हैं, स्कोर भी उन्होंने बहुत किया है पिछले सीजन में, और जब 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 क्रिस गेल का बल्ला घूमा है और वो उसके साथ चाहते हुए भी कई बार रन नहीं दौड़ पाते। और KL राहुल के साथ सर सबसे अच्छी बात क्या है कि वो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड हिटिंग शॉट खेलते हैं क्रिस गेल या फिर बाकी कैरन पोलार्ड के जैसे, मतलब बहुत एलिगेंट है वो, आपको छक्के लगा देंगे, कवर के ऊपर से छक्के लगा देंगे, बॉल शॉट है पॉइंट के ऊपर से छक्के लगा देंगे। मतलब वो बंदा ऐसा है कि 20 बॉल में 50 रन करेगा, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि वो एकदम जोर से शॉट लगा रहा है, तो देखने में मजा आता है। अच्छी बात है कि एक आपका चौके छक्के लगाने वाला प्लेयर है, बीच में मतलब ये बहुत एफर्टलेस के आप बिना एफर्ट के तो नहीं, मैं कहूंगा बहुत ही सहजता के साथ गति को आगे बढ़ाएं, जैसे माइकल बेवन हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया में, पता ही नहीं चलता था वनडे क्रिकेट में कब उनकी सेंचुरी हो गई कब उनकी हाफ सेंचुरी हो गई। हाँ। और उसमें मुश्किल से 2 या 3 चौके होते थे उनकी हाफ सेंचुरी के अंदर। बेवन को सर मैंने देखा नहीं है लेकिन उसके बारे में मैंने काफी पढ़ा है कि जब भी चेज करने की बारी आती थी तो बेवन एकदम मैच को लास्ट तक ले जाते थे और मैच को खत्म करते थे। और ये खूबियां KL राहुल में भी है, KL राहुल में नेतृत्व क्षमता उनकी इस बार मतलब वो भी कसौटी पर होगी, कप्तानी कर रहे हैं वो, ओपनिंग कर रहे हैं, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी को साथ लेकर चल रहे हैं, ये तो उसको साथ लेकर चल रहे हैं इस बार क्योंकि क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी के साथ बहुत टेम्परामेंटल है वो खिलाड़ी। जी तो ये इस बार पंजाब की टीम मतलब ये देखने वाली बात होगी कि एक बल्लेबाज के तौर पे तो KL राहुल काफी अच्छे रहे, काफी सफल रहे, लेकिन इस बार उनके पास जो है कप्तानी की भी जिम्मेदारी होगी, तो एक कप्तान के तौर पे कैसा करते हैं तो ये देखना थोड़ा मजेदार होगा। और मैं तो बहुत तीसरे ओपनर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं, अगर दोनों लोग टीम में है, अगर क्रिस गेल फिट है, और जहां तक मुझे पता है क्रिस गेल फिट है, अगर गेल फिट है तो फिर राहुल और गेल ओपनिंग जाएंगे। KKR की बात कर ले आप सर, बिल्कुल निश्चित। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करते हैं, जिनके ओपनिंग के दावेदार रहेंगे राहुल त्रिपाठी, सुनील नरेन, टॉम बेंटन, नीतीश राणा। इस पर टॉम बेंटन
बहुत बड़ा भारी भरकम नाम दिया आपने। हाँ, है ना? ये बहुत बहुत कम लोगों को पता है कि टॉम बेंटन की एबिलिटी क्या है। और शायद इसमें एक बात ये है कि मतलब सर इंटरनेशनल लेवल पे टॉम बेंटन अभी उस तरह का परफॉर्मेंस कर नहीं पाए। मतलब अभी उसमें एक वही बात है कि जैसा एक जमाने में रोहित शर्मा के साथ हुआ करता था कि हम सब लोग जानते थे कि मतलब इस बंदे में पोटेंशियल बहुत है, ये बंदा अच्छा करेगा, लेकिन उसने डिलीवर करा भी लेकिन थोड़ा लेट से करा। तो टॉम बेंटन के साथ भी यही बात है, लेकिन बीच बीच में उनकी कुछ पारियां ऐसी हैं बहुत यादगार हैं, स्ट्रोक्स उनके पास बहुत हैं, और जैसे बटलर खेलते हैं, मलान खेलते हैं, उसी अंदाज में वो कलाइयों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल बात करते में, हैं, इस बात स्वीप में, करते हैं, रिवर्स स्वीप करते इस हैं। बात में कोई शक नहीं कि जितने भी उसने T20 खेले, T20 में बहुत सफल रहा है वो बंदा। और जहां तक मुझे याद है कुछ दिनों तक तो वो मतलब नंबर वन भी रहा है T20 में। और इस बार सर मुझे ऐसा लग रहा था रैंकिंग में शायद नहीं, रैंकिंग में तो लंबे समय से बाबर आजम टिके हुए थे, अब मलान ने उनकी जगह ली। अच्छा अच्छा जी, तो रैंकिंग में T20 में तो नहीं रहे, लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने जो टॉवरिंग शॉट खेलते हैं शुरुआती ओवरों में, मुझे मुझे याद है फील्डर्स के ऊपर से गेंद उठाते हैं, बहुत काबिलियत है। हाँ, क्योंकि सर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्रीज लंबी होती है, बड़ी होती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी मैं उसको देख रहा था बिग बैश में जिस तरह से टॉम बेंटन बहुत आसानी से छक्के लगा रहा था, तो उसकी काबिलियत दिखती है कि मतलब यहाँ पे और भी आसानी से वो बंदा छक्का लगाएगा। और लेकिन उसके साथ में जो है सुनील नारायण है, बैट्समैन ही बन गए, बॉलर तो रहे नहीं, मेरी उंगली में चोट लग गई तो वो बॉलिंग ही नहीं करते, है ना। और नीतीश राणा है, वो आज हम बात कर रहे थे, फिट नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर नीतीश राणा खेलेंगे भी तो IPL में शुरू के वो कुछ मैच मिस करेंगे KKR के लिए। एक राहुल त्रिपाठी बचते हैं बस, राहुल त्रिपाठी और सुनील नारायण। और टॉम बेंटन अगर आपके पास है तो मुझे लगता है कि KKR की टीम भी टॉम बेंटन के साथ जाएगी। उनके साथ टॉम बेंटन को भी आप खिला देते हैं, सुनील नारायण को भी खिलाते हैं, रसेल को आप बाहर कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, आपके पास और आ गए, पैट कमिंस को आपने 16 करोड़ में खरीदा है, IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं फॉरेन प्लेयर्स में, आपको किसी को तो बाहर बिठाना ही पड़ेगा ना। अगर सुनील नारायण को बाहर बिठा दिया तो फिर तो यही है कि राहुल त्रिपाठी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो तो है नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें टॉम बेंटन को ही शायद बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि KKR की टीम, फिर आपको लगता है राहुल त्रिपाठी और ये दोनों खेलेंगे, सुनील नारायण खेलेंगे? मुझे लगता है, क्योंकि नारायण के साथ सर ये है कि भले वो हाथ में पट्टी लगा के आ जाए, बॉलिंग कम करे, लेकिन KKR की टीम को ऐसा लगता है कि चलो हमारे पास एक मिस्ट्री स्पिनर है। स्ट्राइक रेट उसने बड़ा सुधारा है पिछले कुछ वर्षों में, जो उनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई पावर प्ले में हिट करने की, उसमें वो उसको शॉटी पर खड़े उतरे हैं। हाँ, ये है कि भले वो 20 रन बनाए लेकिन बहुत अच्छा। चलिए अभी ना हम दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। हाँ, दिल्ली की बात कर लेते हैं। ओपनिंग के दावेदार रहेंगे शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे। देखो जी, अजिंक्य रहाणे तो राजस्थान रॉयल्स से आए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको कोई अवसर मिलने वाला है बतौर ओपनर। हाँ, अगर कोई IPL के बाद का के पड़ाव में अगर कोई मतलब शुरुआती दौर में नहीं चल पाया तो शायद उसके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, कोई इंजर्ड हो जाए तब उनको मौका मिल सकता है, प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं लग रहा मुझे। लेकिन हाँ, ओपनिंग के तौर पर शिखर धवन और पृथ्वी शाह ही रहेंगे। शिखर धवन के साथ मैं थोड़ा सा मेरा एक उनके खेल को लेकर एक वैचारिक मतभेद रहा है। T20 क्रिकेट में जो आपकी जिम्मेदारी होती है ना बतौर ओपनर, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है पावर प्ले का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करें। वो बंदा एक ऐसा बंदा मैंने जिंदगी में शायद पहली बार देखा है जो पावर प्ले खत्म होने का इंतजार करता है और उसके बाद वो छक्के लगाता है। और चलिए T20 क्रिकेट में थोड़ा सा, हाँ चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि शिखर धवन हमारे वीडियो को ना देखे। हालांकि कंसिस्टेंसी की कमी थी पिछली बार जी, लेकिन स्ट्रोक्स हैं। हाँ, वो भले छक्के ना लगाता हो लेकिन बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर लेता है, उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी रहती है। चलिए हमारी आठवीं टीम राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं, जिनके ओपनिंग के दावेदार रहेंगे जॉस बटलर, रॉबिन उथप्पा, यशस्वी जायसवाल। और इसमें सर मुझे लगता है कि जॉस बटलर का तो मैं हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, खेलेंगे उनके बिना टीम ही नहीं बनती। जॉस बटलर का मैं हमेशा से, आप मतलब अगर आप ये समझ लो सर कि जॉस बटलर अगर अपने मूड में है, उसने मान लिया कि मुझे छक्का मारना, बॉल जहां मर्जी फेंक दो, वो बंदा आपको छक्का मार देगा। आप योर कोई फॉर्मेट खिला लो, T20 खिला लो, वनडे खिला लो, टेस्ट खिला लो, वो मैच विनर है, मैच विनर है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि रॉबिन उथप्पा हमेशा IPL के पहले सीजन से वो जो है खेलते रहे हैं, और हाईएस्ट रन गेटर में एक होंगे रॉबिन उथप्पा, जहां तक मुझे याद है ये top 10 में तो होंगे ही होंगे। तो हाँ, पीछे कुछ थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लेवल उनका थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन हाँ कुल मिलाकर ठीक ठाक है, बस ये है कि
अब ये बीते जमाने के प्लेयर हैं। हाँ, अब लेकिन ये है कि टीम इंडिया में आने वाले हैं नहीं। हाँ, तो मुझे लगता है कि सर चूंकि आपके पास जॉस बटलर जैसा एक बैट्समैन है जो बहुत तेजी से रन बना सकता है, तो फिर रोबिन उथप्पा जिस पे आपने 3.5 करोड़ खर्च किए हैं ऑक्शन में, तो आप रोबिन उथप्पा के साथ जाना चाहेंगे? यशस्वी जायसवाल जो है अभी उसको सीनियर में उतना अनुभव है नहीं, तजुर्बा नहीं है उनको, तो और जूनियर वाले प्लेयर मैंने देखा है सीनियर में आने में उनको कम से कम 2-3 साल लगते हैं टिकने में, अपनी एक अलग वजूद बनाने में, और शायद विकल्पों के अभाव में रॉबिन उथप्पा को उसका फायदा मिल जाए, बटलर के साथ ओपनिंग करने का मौका मिले। हाँ, और इसमें अगर कुछ राजस्थान आउट ऑफ द बॉक्स जाके ना सोचे तो मुझे नहीं लगता है कि यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे बटलर के साथ। ये इनके तो ओपनर आप समझ लो कि फिक्स ही है कि बटलर के साथ जो है रॉबिन उथप्पा ओपन करेंगे, और फिर मिडिल में भी बेन स्टॉक्स हैं, और जहाँ तक मैं कहीं पढ़ रहा था कि स्टीव स्मिथ जो इंजर्ड है, तो अगर स्टीव स्मिथ अगर पे चोट लगी ना, नेट पर नेट्स पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पता नहीं सिर का और गेंद का कुछ उनका कुछ कुछ ज्यादा ही पुराना रिश्ता है, चोपड़ा आर्चर की गेंद लगी थी आपको लगी थी। हाँ, मुझे याद है सर। हाँ, कंकशन जो पहली बार आया मैं लाइव देख रहा था क्रिकेट में, तो उसमें सबसे पहले जो है लेबुशेन आए थे, इनकी जगह पर ही आए थे, और अब फिर वो इंजर्ड हुए हैं, सिर पे चोट लगी है, लेकिन पिछला मैच नहीं खेल पाए, इसी वजह से वो वनडे में नहीं उतर पाए। जी, लेकिन और अगर स्मिथ नहीं खेल पाते हैं तो फिर मुझे लगता है राजस्थान के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। आप उसको जिस ठीक है वो बड़े बड़े छक्के ना लगाते हो, बाउंड्रीज में ना डील करते हो, लेकिन उनको रिप्लेस करना, क्योंकि हर टीम में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है कि भले वो 40 बॉल पे 50 रन बनाए, लेकिन टीम को एक कंसिस्टेंट बैट्समैन चाहिए होता है, तो उसमें स्टीव स्मिथ अगर नहीं खेलते हैं तो फिर राजस्थान के लिए झटका होगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं रहता उनका, T20 के उतने अच्छे प्लेयर हैं भी नहीं, लेकिन कई दफा सर होता क्या है कि कोई भी टीम T20 में, अब तो हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं कि 200, 210, 180, 190 तो अमूमन चेज करती है टीम, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि कोई टीम जो 120-125 चेज कर रही होती है और उसके 4 रन पे 3 विकेट आउट हो गए, 25 रन पे 5 विकेट हो गए, तो वहाँ पे स्टीव स्मिथ जैसा एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो खेल को थोड़ा लंबा खींच सके। मैं तो कहता हूं राजस्थान रॉयल्स ही नहीं, हर टीम में ऐसा प्लेयर चाहिए, जैसे आपके मयंक अग्रवाल है, जैसे आपके उनके सरफराज हैं आपके पंजाब में। सरफराज तो डोमेस्टिक क्रिकेट में सर मतलब इतना रन बनाया है बंदा के, रन बहुत ज्यादा, स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ, रन तो बाबर आजम ने भी बहुत बनाए हैं पाकिस्तान में, लेकिन स्ट्राइक रेट की सर आपको याद होगा पिछड़ जाते हैं। हाँ सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको याद होगा कि 2017 IPL ऑक्शन में जब टीमों को ये कहा गया कि भाई आप अपने 3 प्लेयर को रिटेन करें, तो इस पे RCB की टीम ने 15 करोड़ खर्च करके इसको सरफराज को रिटेन करा था, और उसके अगले सीजन में सरफराज अच्छा नहीं कर पाया और उसको जो है रिलीज किया और पंजाब ने फिर उसको खरीदा है, तो अब ये देखना होगा कि सरफराज जो है अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बना पाते हैं या नहीं। अब उसके टैलेंट पे प्रतिभा पे कोई शक नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बना रहा है। ठीक है, चलिए उस पर बात फिर कभी करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो ओपनर्स पे बात कर रहे हैं, पावर प्ले की बात कर रहे हैं, तो पावर प्ले में देखा जाए तो जो हमारा निष्कर्ष अभी तक जो निकला है, हैदराबाद की टीम सनराइजर हैदराबाद बेहतरीन है, मुंबई इंडियंस बेहतरीन है, क्रिस गेल की बदौलत पंजाब की टीम भी बहुत अच्छी है, मिलता है मुंबई इंडियंस, उसके पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है, और उसमें CSK में थोड़ी सी दुविधा मुझे लग रही है। मैं भी यही कह रहा था कि अनुष्का की जो टीम है उसके पास अच्छी ऑफनर्स नहीं है, मतलब अच्छी ऑफनर्स जो ऐसे कि मतलब आके छक्के चौके, CSK चैंपियन बन सकती है, KKR चैंपियन बन सकती है, लेकिन ये पक्ष कहीं ना कहीं वो थोड़ा बैकफुट पर, इसके कहना ज्यादा ठीक है। क्योंकि हम ओपनर्स की बात कर रहे हैं, IPL शुरू होगा 19 सितंबर से, तब देखते हैं कि कौन बेस्ट ओपनर्स रहता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।